News 18, India. इस बीच इसराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जारी अपने सैन्य ऑपरेशन का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में इसराइल के सैनिक एक इमारत में छिपे हमास के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखे और आमने सामने की इस लड़ाई में दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। हमास के लड़ाकों और इसराइल के सैनिकों का ये आमना सामना जमीन के कई फीट ऊपर उस इमारत की तीसरी मंजिल पर हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से ऐसे हमले हुए मानो कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। तस्वीरों में खतरनाक हथियारों से लैस इसराइल के कई सैनिक उस इमारत में नजर आए। वो दूसरे कमरों से हमला कर रहे हमास के लड़ाकों पर पलटवार करते दिखे, लेकिन इसी दौरान दरवाजे के नजदीक से फायरिंग कर रहे एक सैनिक को गोली लग गई। गोली लगने के बाद वो गिर गया और दर्द से कराहने लगा। हालांकि इस दौरान उस सैनिक को उसके एक साथी ने पीछे की ओर खींच लिया और गोलीबारी वाली जगह से दूर कर दिया। इसराइल ने दावा किया कि सूचना मिलते ही उसके सैनिकों ने उस इमारत को घेर लिया और इमारत के बाहर से हमला करने के बाद उन्होंने उसमें घुसकर हमास के लड़ाकों पर कहर ढा दिया और उस सैनिक के घायल होने के बाद तो फायरिंग और तेज कर दी गई। दोनों तरफ से काफी देर तक धड़ाधड़ गोलियां चलती रही। इसी दौरान इसराइल का एक और सैनिक हमास के निशाने पर आने से बिल्कुल साफ बच गया। पूरी इमारत गोलियों की आवाज से गूंजती रही। इस दौरान चिंगारियां भी हवा में उड़ती दिखी, लेकिन इसी बीच एक जोरदार धमाका हो गया। भयंकर धमाके के बाद इमारत में हर तरफ धुआं फैल गया, लेकिन इसके बाद भी गोलियों की तड़तड़ाहट रुकी नहीं। इसराइल ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने इस हमले में इमारत में छिपे हमास के सभी लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि इस गोलीबारी में इसराइल के भी दो सैनिक घायल हो गए।